सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। ये जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 51, जो कि क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। आज ये सामाजिक विज्ञान विषय से ली गई है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। हमारा इतिहास यानी कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या छोड़ा, जो हमसे पहले लोग हो चुके हैं भूतकाल में, उन लोगों ने हमारे लिए क्या विरासत छोड़ी। और ये हमारा टॉपिक भी है कि अपनी विरासत को जानिए। विरासत क्या होता है? जैसे तुम्हारे कोई दादा होंगे या उनके फादर, दादा के दादा, उन्होंने जो भी तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा, तुम्हारे पापा के लिए या तुम्हारे पापा ने जो तुम्हारे लिए कुछ बनाया, वो सारी विरासत होती है। विरासत बिल्डिंग तो होती है, जैसे बिल्डिंग के रूप में तो होती है, यहाँ तक कि जो हम रीति रिवाज अपनाते हैं वो भी तो एक विरासत ही है, वो हमारी सांस्कृतिक विरासत है। तो इसी तरह विरासत कई प्रकार की होती है। आज हम जानेंगे कि दिल्ली में भी जो इससे पहले कितने मुगल शासक, कितने राजा, उन सब ने क्या क्या विरासत छोड़ी है, उनके बारे में जानेंगे। वैसे तो तुम लॉकडाउन के कारण कहीं नहीं जा पा रहे ना, कोई बात नहीं, दुखी मत हो। आज मैं अपनी इस क्लास के माध्यम से तुम्हें दिल्ली की कुछ विरासत दिखाऊंगा, कुछ ऐसी इमारतें जो कि बहुत ही मशहूर हैं। चलो अपनी सबसे पहली तस्वीर की ओर चलें। अरे ये पहली तस्वीर में क्या है? ओहो, ये तो कुतुब मीनार है। जानते हो कहाँ पर है? मेहरोली में, साउथ दिल्ली में, दक्षिणी दिल्ली में ये स्थित है। तो चलो अब इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इस पिक्चर में तुमने क्या देखा? ओहो, ये तो बहुत ऊंची इमारत है। इस 5 मंजिला इमारत के निर्माण का आरंभ 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यद्यपि वह केवल इसके आधार का ही निर्माण करवा पाया, यानी वो केवल इसकी जो बेस था, जो नीचे की मंजिल थी, बिल्कुल बस उसी का ही निर्माण करवा पाया। फिर उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने लाल बलुआ पत्थर द्वारा इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया, यानी जो उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी, उसका बेटा आया या जो भी कोई था जो उसके बाद राजा बना था, उसने इल्तुतमिश ने लाल बलुआ पत्थर से उसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया। फिर जबकि इसकी अंतिम 2 मंजिलों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा संगमरमर एवं बलुआ पत्थरों से करवाया गया। तो देखा आपने कितनी मेहनत से इसको बनवाया गया। और इसकी ऊंचाई पता है कितनी है? इसकी ऊंचाई है 73 मीटर, यानी 73 मीटर्स, बहुत ऊंचा है ये। फिर अगली तस्वीर देखो, पहचानो। अभी कुछ दिन पहले ही तुमने टीवी में भी तो इसको देखा था ना। जी हाँ, ये है हमारा लाल किला, जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने झंडा फहराया था। कब? 15 अगस्त को। बिल्कुल सही, ये है लाल किला। चलो इसके बारे में कुछ जाने। इसका निर्माण मई 1639 से अप्रैल 1648 के बीच मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा करवाया गया, जब उसने अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। यानी इसका निर्माण किसने करवाया, इसको किसने बनवाया? शाहजहां ने, मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया इसको। और क्यों बनवाया? क्योंकि जब उसने ये फैसला लिया कि आगरा में पहले उसकी राजधानी थी, उसने फैसला लिया कि चलो दिल्ली में मैं अपनी राजधानी बनाऊंगा, तब उसने यहाँ पर इसका निर्माण करवाया। और वो भी कब से कब तक? 1639 से 1648 तक, यानी इतने सालों में जाकर ये बना। इसका निर्माण दिल्ली में यमुना नदी के तट पर लाल बलुआ पत्थर से किया गया। तो इसके निर्माण में कौन सा पत्थर लगा है? लाल बलुआ पत्थर। और इसके वास्तुशिल्प का श्रेय उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है। ये वास्तुशिल्प क्या होता है? जो इसका डिज़ाइन है, जैसे तुम्हारे घर का भी कोई डिज़ाइन है ना, उस डिज़ाइन को किसी ने तो सोचा होगा, ऐसे ही लाल किले का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, ये इसका जो पूरा का पूरा श्रेय जाता है वो है उस्ताद अहमद लाहौरी। और अरे ये क्या है? ये तो इंडिया गेट है। इंडिया गेट देखा है?
कभी जब तुम आईटीओ की तरफ जाओगे और उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ोगे सुप्रीम कोर्ट से आगे, तो आपको ये इमारत गोल चक्कर के बीच में नज़र आएगी। ये तो इंडिया गेट है। तो अगर तुम्हें पता है ये इंडिया गेट क्यों बनाया गया, क्या है इसके अंदर खास बात, क्या है इसके अंदर खास बात है, जब तुम इसको पास से जाके देखोगे ना, तो इसके अंदर जो इसकी जो ईंटें टाइप बनी हुई है ना, उसमें किसी किसी के नाम लिखे हुए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो आज़ादी की लड़ाई में हमारे स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए उनके नाम है, लेकिन नहीं, इसमें उनके नाम नहीं है। तो जानो किसके नाम है? यह एक युद्ध स्मारक है और इसका निर्माण 1914 से लेकर 1921 के बीच और विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए ब्रिटिश भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में किया गया। पता चला जो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 में, तो उस समय हमारा देश ब्रिटिश का गुलाम था। तो उन्होंने हमें ये लालच दिया कि अगर आपकी सेना हमारे साथ इस युद्ध में लड़ेगी तो हम आपको आज़ाद कर देंगे। तो इसमें हमारे बहुत सारे भारतीय सैनिक जो थे वो शहीद हुए, उनका नाम इस पर लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमें आज़ाद नहीं किया था। फिर 12 फरवरी 1931 को इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया और 1971 से अमर जवान ज्योति भारत के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है। इसके बीच में एक आपने देखा होगा, एक ज्योति जलती रहती है, वो किसके सम्मान में है? क्योंकि 1971 के बाद से बहुत सारे हमारे युद्ध जो हुए उसमें हमारे बहुत सारे बहादुर भारतीय सैनिक जो शहीद हो गए, उनके याद में, उनके सम्मान में ये ज्योति जलती रहती है, इसलिए इसका नाम अमर जवान ज्योति है। तो देखा आपने, आज आपको समझ में आया कि ये क्यों बनवाया गया और इसके बीच में जो अमर जवान ज्योति है वो क्यों जलती रहती है, वो इसलिए जलती रहती है। तो चलो अब चलते हैं अपने प्रश्न उत्तर पर। पहला प्रश्न है, लाल किले के महत्व का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। थोड़ा हमने यहाँ बताया, थोड़ा हम और सीखने की कोशिश करेंगे। देखो मैं हर बार की तरह यही कहूँगा कि ये मेरे सुझाव हैं, लेकिन आप अपने सुझाव भी लिख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। लाल किले का महत्व, पहला इसका महत्व है कि दिल्ली के लाल किले का मुगल काल में बहुत ज़्यादा महत्व था। दूसरा, लाल किला दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो कि हर साल लाखों आगंतुकों को आकर्षित करता है। मतलब यानी ये सबसे प्रसिद्ध ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई भी आ जाए, कोई इंडिया से जितने भी बाहर के लोग आते हैं उनके लिए ये एक बहुत आकर्षण का केंद्र है। आगंतुक का मतलब होता है जो बाहर से मेहमान आते हैं, विदेशी मेहमान आते हैं, वो इसको ज़रूर देखते हैं, ठीक है। और तीसरा है, यह किला वह स्थान है जहां पर हर 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। फिर चौथा, यह दिल्ली का सबसे बड़ा स्मारक भी है। और पांचवा, इस ऐतिहासिक किले का चयन 2007 में यूनेस्को की विश्व विरासत साइट द्वारा किया गया था। दूसरा प्रश्न है, अमर जवान ज्योति के महत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर तो हमारी वर्कशीट में भी है, लेकिन बीच की लाइन इसमें नहीं लिखनी। जैसे यह एक युद्ध स्मारक है, इसका निर्माण 1914 से 1921 के मध्य विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए ब्रिटिश भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में किया गया। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, 1971 से अमर जवान ज्योति भारत के लिए प्राण निछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है। फिर तीसरा प्रश्न है, कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर भी आपकी वर्कशीट में ही है कि कुतुब मीनार के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर और बलुआ पत्थरों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं अपने लास्ट यानी चौथे प्रश्न पर। बताइए कि महामारी के अंत के उपरांत आप विद्यालय की तरफ से जाने वाली पिकनिक में किस ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे? अब ये तो आपकी चॉइस है, तो आप अपने टीचर से ज़रूर इस बात को कहिएगा कि अब की बार जब हमें पिकनिक लेके चलेंगे इन तीनों स्थान में से किसी एक स्थान पर ज़रूर लेके जाएं, ताकि इससे आपका ज्ञान और ज़्यादा बढ़ेगा। जो आपने आज समझा वो आप वहाँ जाकर देखोगे भी। तो आपको समझ में आया, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह खेल खेल में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर बहुत ज़्यादा पढ़ते रहिए। धन्यवाद।